मानव समाज में इतनी बुराइयां हैं जिनको गिनना भी कठिन हो रहा है। इन बुराइयों में एक महाभयंकर बुराई जुए की बुराई है, जो कि मानव समाज को जर जर कर रही है। जुआ एक लत की तरह, एक आदत की तरह सब जग में मशहूर है, जैसे शराब। शराब को लोग प्रथम थोड़ा थोड़ा कहकर पीना शुरू करते हैं, किंतु जब वह मनुष्य को बर्बादी की तरफ ले जाती है तो मनुष्य को बचना कठिन हो जाता है। इसी तरह ही ये जुआ, मनुष्य इतनी मेहनत करता है, किस लिए करता है? अपना भरण पोषण करने के लिए। किंतु जब कोई मनुष्य अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को थोड़ी सी ये सलाह देता है कि भैया आज सरकार ने करोड़ों रुपए के इनाम रखे हैं लॉटरी बम्पर में, बैसाखी बम्पर में, राखी बम्पर में, हो सकता तुम्हारा नसीब खुल जाए, तो वह उस रिश्तेदार और मित्र की सलाह मानकर अपने जेब से 100 रुपए निकालता है। थोड़ी सी गलती, देखिए एक थोड़ी सी गलती महाविनाश की तरफ ले जाती है। एक छोटी सी बुराई एक महान बुराई को प्राप्त कराती जा रही है। 100 रुपए उसने लगाया, लेकिन उस बेचारे को यह पता नहीं कि इस 100 रुपए के कारण उसके हजारों रुपए जेब से उड़ेंगे। उसकी मेहनत की कमाई, उसकी खून पसीने की कमाई। देखिए सबसे पहले इन बुराइयों में, सब बुराइयों में हानियां हैं, लेकिन इस बुराई की सबसे ज्यादा हानियां हैं। देखिए कौन कौन सी बुराइयां हैं और कौन कौन सी इनकी हानियां हैं। मान लो जुए से पैसा प्राप्त हो जाता है तो ज्यादातर मनुष्य शराब पीने लगते हैं, मांसाहारी हो जाते हैं और कई तरह के खान पान में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। उनका चाल चलन भी अलग अलग तरह हो जाता है, क्योंकि पैसे जो ऐसे ही प्राप्त हो गए हैं, हराम से प्राप्त हो गए हैं, फ्री में प्राप्त हो गए हैं, उसको वह उड़ाना चाहता है। लेकिन हम उन हानियों को गिनेंगे, यदि हम हानियों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनको अमल करके छोड़ भी सकते हैं। प्रथम कौन सी हानि है? प्रथम मनुष्य का जो मेहनत का पैसा है बर्बाद हो जाता है। दूसरा, मनुष्य में जो सत्य का तेज है वो झूठ बोलने के कारण नष्ट हो जाता है। मनुष्य की मान हानि सबसे ज्यादा अधिक है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पूछता है, भैया तू आजकल जुआ खेलने लगा है, लाठी डालने लगा है, तो बेचारा मन सोच के कहता है, किसने बताया आपको, मैं तो नहीं जाता कहीं, तो उसको झूठ बोलने की भी आदत पड़ती है। समाज में ज्यादातर उसे इस बुराई को फैलने से उसको ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जान गए हैं मेरे प्रति, तो वह खुल्लम खुल्ला खेलता है। जो विवाह करा चुके हैं उनके लिए तो बर्बादी ही बर्बादी है। उनकी धर्मपत्नी इतना रोती है
कि बेचारी के जेवर बिक चुके होते हैं, तड़पती है, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पति परमेश्वर है, पति को सब कुछ अर्पण है। यदि कुछ कहने वाली भी है तो पति की तो आदत बन चुकी है जुआ खेलने की, लॉटरी डालने की, उसे पैसा चाहिए किसी भी तरीके से प्राप्त हो, चोरी से प्राप्त हो, झूठ बोलने से प्राप्त हो। दूसरा, उसकी धर्मपत्नी अपने पति से इतना दुखी रहती है, इतना दुखी होती है कि उसको मुसीबत चारों ओर से घेर लेती है। देखिए कैसे, एक तो उसका पति महाजुआरी, फिर उसके गहने भी गायब। अब वो बाजार से क्या खरीद के लाए और बच्चों को क्या खिलाए? यदि बच्चे उसके छोटे छोटे हैं तो बेचारी किससे मांगे? अपने मैके जाए, अपने माँ बाप से मांगे, लेकिन माँ बाप कब तक खिला पाएंगे? आखिर तो उसे खुद ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। ये बीमारी इतना ही जोर पकड़ रही है समाज के अंदर, इसको मिटाना उतना ही कठिन हो रहा है, क्योंकि जो अपनी सरकार है खुद भी इसका चलन करा रही है। क्रिकेट मैचों में सट्टा खिलाया जा रहा है, बॉल फेंकने से लेकर छक्का मारने तक एक एक पॉइंट में सट्टा लगता है करोड़ों अरबों डॉलर का। ये देखने में आ रहा है कि हम महाविनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को इस महाविनाश से कैसे रोका जाए, यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कराएं, अपने प्रति, समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिताजी की तरफ प्रति। लेकिन अपनी सरकार तो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, हमें खुद ही ध्यान रखना होगा अपना। इन हानियों में एक और भयंकर हानि है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं, वह हानि है विकृति की। मनुष्य की जो अपनी प्रकृति है वह विकृति की तरफ जा रहा है। मनुष्य जो भला देखता है, भला सुनता है, भला सोचता है, वह उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि उसका अपना मेहनत का पैसा जब डूब जाता है तो इतना चिंता, इतना मगन, इतना उदास, उसका सारा शरीर सोचना, सुनना, समझना सब बंद कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस जुए के प्रति जागरूक कराएं, ताकि हमारा समाज पोषक बने, जागरूक बने, इस महाभ्रष्टाचार को हटाकर हम दृढ़ता से अपने आप को ऊंचा उठाएं, अपनी मेहनत का पैसा बैंक में जमा कराएं, अपनी मेहनत का पैसा खुद इस्तेमाल करें, ना कि थोड़ी सी लालच के कारण हम उसे व्यर्थ में ही गंवा दें। क्योंकि कहा है कि पैसा किसी का नहीं होता, एक बार किसी के पास चला गया तो वो उसी का हो जाता है। आजकल महंगाई के युग में पैसा कमाना बहुत ही कठिन है, पैसा बचाना बहुत ही कठिन है, और इसी युग में हम उसे व्यर्थ में खोने दिए जा रहे हैं। हमें
संभलना होगा, पग पग पर संभलना होगा। तो जितने भी इस ओर कदम बढ़ाए हुए हैं अपने कदम थाम लें, ताकि अपने आप को उन्नति के रास्ते पर पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम हमेशा बुराइयों से बचते रहें और अच्छाइयों की तरफ बढ़ते रहें।